हेलो एवरीवन, दिस निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बाइनरी कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा था, बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए हमें बाइनरी कन्वर्जेंस यानी कि अब हम बिट टू बिट परफॉर्म करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर में, तो हमको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट तो आना ही चाहिए। जो वो चीज़ हमने लेक्चर में पढ़ ली थी, अब हमको ईजी पड़ेगा ये टॉपिक समझने में। तो इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर बिटवाइज ऑपरेटर पे शुरू करते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स पे। फिर हम इसके बाद में आगे के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हम आपको आने वाली वीडियोस में बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स के। यूज टू परफॉर्म बाइनरी लॉजिक विद द बिट्स ऑफ एन इंटीजर और अ लॉन्ग इंटीजर, यानी कि बिट्स ऑफ एन इंटीजर, यानी कि या तो हम इंटीजर पर परफॉर्म करेंगे या हम लॉन्ग इंटीजर पर परफॉर्म करेंगे। तो लाइक यहाँ पर हमारा दे रखा है कि यहाँ पर 10 दे रखा है और एंड दे रखा हमारा 5 में। तो 10 हमारा क्या होता है, 10 का हमारा बाइनरी कन्वर्जन होता है 1010, और यहाँ पर हमारा 5 का कंपैरिजन कन्वर्जन होता है हमारा 0101। अब हमने क्या किया इसका एंड, एंड का क्या रूल होता है, अगर एक भी 0 होगा तो 0 ही वैल्यू देगा, और अगर दोनों अगर 1 होंगे तभी वो 1 देगा। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया, हमारा 1010 और 0101 हमने इसका एंड निकालना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 01 दे रखा तो हमारा 0 होगा, 10 दे रखा तो भी हमारा 0 होगा, 01 दे रखा तब भी हमारा 0 होगा, 10 होगा हमारा तब भी हमारा 0 ही होगा। यानी कि बोथ अगर दोनों के दोनों 1 होंगे तभी हमारा आउटपुट 1 देगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस टेबल में, तो इस टेबल में हमारा दे रखा है कि हमारा एंड दे रखा है, अगर दोनों के दोनों 1 होंगे तभी हमारे यहाँ पर 1 देगा। तो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे रखा है, और में हमारा जस्ट उसका, तो यहाँ पर और में हमारा क्या, अगर हमारा एक भी अगर 1 होगा तो यहाँ पर हमारा 1 दे देगा, और यहाँ पर ये हमारा नेगेशन में हमारा इन्वर्ट करने का, अगर हमारे जो 1 होंगे वो 0 हो जाएंगे और 0 जो होंगे वो 1 हो जाएंगे। जैसे 0101 दे रखा है तो ये 1010 हो गया है यहाँ पर। ये हमारा और में क्या है, हमारा और में अगर एक भी 1 है तो हमारा 1 आ जाएगा, और ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट इसके लिए हम अलग से समझ लेंगे, इसके लिए हम अलग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियो। अब यहाँ पे हमारा बिटवाइज के एग्जांपल हैं, तो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के एग्जांपल कुछ इस तरीके से होते हैं कि इसमें बस एक सिंगल एंड परफॉर्म होता है और इसमें बिट टू बिट पे हमारी परफॉर्म होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 9 and 2 कर दिया। तो यहाँ पर हमारा बिट टू बिट सारा सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा था, वो वैल्यू 0 को डिनोट कर रहा था, तो हमारा 0 आ गया। ये हम सॉल्व करके दे सकते हैं, हमने सॉल्व करने का तरीका अपने बाइनरी कन्वर्जेंस में बता रखा है, और हमने वैसे भी समझा रखा है कि कैसे कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 5 किया, और हमने जब इसको रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 है। आप सबके लिए हम यही क्विज़ रख देते हैं कि आप इन जो भी हमने ये वैल्यू यहाँ पर परफॉर्म किए हैं इनको सॉल्व करके आप अपना अपना कमेंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नेगेट कर दिया 5 को, तो अगर हमारा 0 होगा तो 1 में प्रिंट हो, 1 में चेंज हो जाएगा, 1 होगा 0 में, तो यहाँ पर हमारा फाइनली -6 आ रहा है डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद। डेसिमल को हमारा डेसिमल में कन्वर्ट होने -6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 9 लिया, और 9 के साथ आपने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया और को, तो यहाँ पे हमारा सेम पे तो हमारा ट्रू आएगा और उस पे भी हमारा ट्रू ही आएगा, लेकिन अगर फॉल्स अगर सेम होगा तो हमारा ये फॉल्स आएगा, यानी 0-0 पे हमारा 0 देगा। अब यहाँ पे हमने और को हटाने के बाद, अब हम और के बाद हम यहाँ पे दूसरा एक और परफॉर्म करते हैं, तो हमारा लेस देन इक्वल्स टू, मतलब लेफ्ट शिफ्ट ले लेते हैं यहाँ पे हमारा, ये हमारा राइट शिफ्ट है। अगर हम राइट शिफ्ट देखते हैं तो हमारा 288 प्रिंट होके आता है 9 और 5 के बीच में, अगर हमने राइट शिफ्ट किया। हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट लिया तो लेफ्ट शिफ्ट में बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता, तो यहाँ हमारा 0 आएगा क्योंकि इससे कम हो नहीं सकता, तो यहाँ हमारा 0 प्रिंट हो गया था हमारा लेफ्ट शिफ्ट में। तो यही था हमारा बिटवाइज ऑपरेटर का कंसेप्ट। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।